हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा पिंकिश पार्टी वेयर मेकअप लुक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि मैंने ये सिंपल सा पिंकिश पार्टी मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फेस को मॉइस्चराइज करने से। तो मॉइस्चराइज़र मैं यहाँ पे अपना फेवरेट पॉन्स का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वाली लड़कियों के लिए। ड्राई स्किन वाले भी इसे ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट है तो ये सारे स्किन टाइप्स को सूट करेगा, बट ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये सबसे बेस्ट रहता है। जेल वाले जो प्रोडक्ट्स जेल बेस्ड के होते हैं स्पेशली मुझे काफ़ी सूट करते हैं, लेकिन जिन्हें सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है या सूट नहीं करते वो इस प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ उन्हें एलर्जीज हो सकती हैं। एंड नाउ वील मूव ऑन टू कंसीलिंग आर आईज़। तो सबसे पहले हम यहाँ आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले मैं मेबिलिन का फिट मी कंसीलर अपने आईज़ पे अप्लाई करूँगी और उसको मैं एज एन आई बेस लगाऊँगी ताकि मेरा आई शेडो उससे बिल्कुल निखर के आए, और फिर मैं उसे एक ब्यूटी ब्लेंडर डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं कंसीलर को सेट करने के लिए ये फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इससे मैं अपने आईज़ के जो आईज़ का जो मैंने बेस प्रिपेयर किया है उसे सेट कर लूँगी ताकि मेरा जो कंसीलर है वो आईज़ पे क्रीज ना हो और मेरे जितने भी आई शेडो के कलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे से खिलकर आएँ। यहाँ पर इस मेकअप लुक के लिए मैंने ये आई हार्ट रेवोल्यूशन का मेकअप रेवोल्यूशन का चॉकलेट पैलेट यूज़ किया है। बहुत ही प्यारा पैलेट है और मेरा काफ़ी फेवरेट पैलेट है गाइज़। अगर आप अच्छे पैलेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पैलेट को ख़रीद सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइट पिंक कलर जो है इस पैलेट का वो लेकर के अपने ट्रांजिशन शेड को बिल्ड करूँगी, अपने क्रीज पे इसको बिल्ड करूँगी। तो बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कलर्स बिल्कुल एकदम से ही एक ही स्वाइप में काफ़ी अच्छे से खिल के आता है। तो यहाँ पर मैं अपने क्रीज लाइन पर पहले इस लाइट पिंक कलर को बिल्ड कर रही हूँ और फिर मैं मूव ऑन करूँगी उससे थोड़ा सा डार्क पिंक। लाइक पहले मैंने ट्रांजिशन शेड लगाया, नाउ अब जो मेरा बेस कलर है पिंक कलर उसको मैं अपने पूरे आईलिड पे अच्छे से प्लेस कर लूँगी और उसे मैं अपने ट्रांजिशन शेड के साथ में ब्लेंड भी कर दूँगी ताकि वो बहुत ही सीमलेस लगे दिखने में। अब मैं यहाँ पे ये पिंक कलर का जो शेड है फॉइल आई शेडो है इसको अप्लाई करूँगी अपने सेंटर ऑफ आईज़ पे, जो बहुत ही प्रिटी इतना पिगमेंटेड कलर है। आप देख सकते हो एक स्वाइप मैंने अपने फिंगर का वहाँ पे केवल किया और इतना प्यारा ये ग्लिटर शेड आया है, शिमर शेड आया है सॉरी। तो इसे मैं अच्छे से अपने आईलिड्स पे प्लेस कर लूँगी ट्रांजिशन शेड वाले एरिया को छोड़ करके। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऊपर वाले क्रीज को छोड़ करके मेरा पूरा जो आईलिड का पोर्शन है वहाँ पर मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि बिल्कुल शिमरी सा लुक क्रिएट हो जाए। और पार्टीज़ में वैसे भी ऐसा शिमरी वाले लुक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं इसे अच्छे से अपने पूरे आई लिड एरिया पे डैब डैब करके लगा दूंगी। हाथों से पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी आती है। तो आप देख सकते हो मैंने सेकेंड आई का मेकअप भी ऑफलाइन कर लिया है। अब मैं अपना बेस फेस का बेस रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने कलर बार का प्राइमर यूज़ किया है। ये भी अगेन ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन के लिए काफ़ी अच्छा प्राइमर है। जिनके पोर्स की प्रॉब्लम है जिनको, उनके लिए भी स्पेशली ये बहुत अच्छा प्राइमर है बिकॉज ये पोर फिलिंग प्राइमर है और ये आपके ऑयल को भी कंट्रोल करता है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक। तो मैं इसे अच्छे से अपने टी जोन और अपने जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि मुझे ऑयल की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑयल सिक्रीट ज़्यादा होता है, वहाँ वहाँ मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ और फिर हम मूव ऑन करेंगे अपने फाउंडेशन पे। सो फाउंडेशन के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ये मेबिलिन का फिट मी फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो एक्चुअली मैं दो शेड्स के बीच में स्विच करती रहती हूँ तो इसलिए मुझे डबल चेक करना पड़ेगा। अब इसे मैं अच्छे से डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और फिर मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। तो ये फाउंडेशन भी मेरा काफ़ी फेवरेट फाउंडेशन है क्योंकि ये ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, काफ़ी टाइम तक आपके फेस पे स्टे करता है और आपके फेस को बिल्कुल मैट लुक देता है। तो इसे मैं अगेन एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको डैब डैब करके ब्लेंड करना है अपने फाउंडेशन को।
सो गाइज यहाँ पे मुझे कवरेज थोड़ी सी और इंक्रीज़ करनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन और लिया है और इसे मैं उन एरियाज़ पे अप्लाई करूँगी जहाँ मुझे फील हो रहा है कि मुझे और कवरेज की ज़रूरत है। सो फाउंडेशन हमारा अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं अगेन अपने फेस पे कंसीलिंग करूँगी सेम मेबिलिन का फिट मी कंसीलर यूज़ करके। इसमें मेरा शेड है सैंड सेबल। तो अपने अंडर आइज़ पे, अपने ब्रिज ऑफ द नोज़, फोरहेड और चिन एरिया और जो जो यूजुअल एरियाज़ मुझे हाईलाइट करने होते हैं वहाँ वहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। और ये हैक वैसे तो मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप सबके साथ शेयर किया हुआ है, बट मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि जब भी आप कंसीलर को ब्लेंड करना स्टार्ट करो हमेशा आप अपने फेस के बाकी एरियाज से ब्लेंड करना स्टार्ट करो। आइज़ का कंसीलर जो होता है, अंडर आई कंसीलर, वो सबसे एंड में ब्लेंड करना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप आइज़ का कंसीलर सबसे पहले ब्लेंड कर दोगे तो उसमें वहाँ पे क्रीज पड़ जाएगी जब तक आप पाउडर के स्टेप पे पहुँचोगे उससे पहले। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैं पहले अपने बाकी फेस को कंसील करूँगी एंड देन मैं आईज की तरफ मूव ऑन करूँगी। सो गाइस कंसीलर मेरा ब्लेंड हो चुका है। अब मैं यहाँ ये वेट एंड वाइल्ड का ये जो डुओ पैलेट है इसमें से ये बनाना शेड लेकर अपने उन एरियाज़ पे अप्लाई करूँगी जहाँ जहाँ मैंने कंसील किया है। इससे जो आपके हाइलाइटिंग, जहाँ जहाँ भी आपने कंसीलर से हाइलाइटिंग की है उनको और ज़्यादा अच्छा हाइलाइटिंग इफेक्ट मिलता है। तो ये बनाना पाउडर मुझे बहुत पसंद है वेट एंड वाइल्ड के इस डुओ पैलेट का, आप लोगों को भी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब मैं सेम पैलेट का जो ब्राउन शेड है उसको लेकर बहुत ही लाइट कॉन्टोर करूँगी अपने चीक्स को और अपने नोज़ एरिया को। मुझे ज़्यादा कॉन्टोरिंग पर्सनली पसंद नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप बिल्कुल बेशक पूरी प्रॉपर कॉन्टोर कर सकते हो, पर यहाँ पे मैं बहुत ही लाइट कॉन्टोर करती हूँ तो इसलिए मैंने ये बिल्कुल लाइट ब्राउन शेड चूज़ किया है स्लाइटली कॉन्टोर करने के लिए आपके अपने फेस को। वैसे मेरा चबी फेस है बट मुझे अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से अपने ऊपर यही फेस कट सूट करता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कट नहीं करती हूँ कभी भी अपने फेस को। तो इसलिए मैंने ये वाला शेड यूज़ किया है अपने फेस पे कॉन्टोर करने के लिए। अब मैं एक पाउडर ब्रश की हेल्प से जो भी मेरे फेस पे एक्सेस बनाना पाउडर होगा उन सबको अच्छे से रिमूव कर लूँगी और उसी पाउडर के साथ अपने बाकी के फेस को भी बिल्कुल लाइट हैंड से सेट कर लूँगी। तो इससे काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आ जाएगा पूरे फेस पे, पूरे फेस का फाउंडेशन भी सेट हो जाएगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने लोअर लैश लाइन के मेकअप पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैंने जो ऊपर दो पिंक शेड्स यूज़ किए थे उन्हीं को मिक्स करके अपने लोअर लैश लाइन पे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी ताकि हमारी आई लुक जो है वो ऐसे बहुत ही अजीब सा ना लगे। अगर अपना लोअर लैश लाइन को छोड़ देते हो आई मेकअप के ड्यूरेशन में तो वो बहुत ही ज़्यादा अधूरा सा लगता है आई मेकअप एक तरीके से। उसे प्रॉपरली सीमलेस दिखाने के लिए हमें दोनों तरफ मेकअप अप्लाई करना पड़ता है, आई शेडो अप्लाई करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं नीचे पिंक शेड से अप्लाई कर रही हूँ और ये जो हाइलाइटिंग शेड है इस पैलेट में गोल्डन कलर का, इससे मैं अपना जो टीयर डक्ट होता है या इसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई वो वर्ड, तो मैं उससे अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर लूँगी अच्छे से ताकि आपकी आईज़ इससे बहुत ज़्यादा ओपन अप लगती हैं। और मैं इसे अपने हल्का हल्का अपने आईब्रोज़ के नीचे जो बोन होती है उस पर भी अप्लाई कर दूँगी ताकि वो बहुत ही प्यारा सा इफेक्ट आए।
आईब्राउज़ के लिए मैं यहाँ पे ये शुगर की आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। ये रिट्रैक्टेबल पेन के उसमें आती है, तो इसकी एक तरफ स्पूली होता है और एक तरफ आईब्रो प्रोडक्ट होता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको कहीं पे भी आईब्रो सेट करना है या कुछ करना है तो आपको अलग से स्पूली कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के साथ ही आती है, इस प्रोडक्ट के साथ ही, जो बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट बना देती है प्रोसेस को। तो इसमें मैं, वैसे तो मेरे ब्राउज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थिक है, बट स्टिल मैं इस प्रोडक्ट से बहुत ही स्लाइटली उसका बॉर्डर्स को मैं लाइन करूँगी, और जहाँ जहाँ भी मेरे को लगता है कि स्पार्स एरियाज़ हैं मैं उनको बिल्कुल लाइट हैंड से फिल करूँगी, बहुत ज़्यादा ओवरड्रॉ नहीं करूँगी मैं आईब्रोज, अदरवाइज़ वो बहुत ही अजीब सा लाइट लुक देती है आपके फेस को। तो आप देख सकते हो मैंने बहुत ही लाइट हैंड से केवल बस जो स्पार्स एरिया थे वहाँ पे उन्हें फिल किया है, और जहाँ जहाँ पे मुझे लगा कि मुझे यहाँ बॉर्डर क्रिएट करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे बिल्कुल लाइट हैंड से मैंने इस प्रोडक्ट से अपने ब्राउज फिल कर लिए हैं। और फिर एंड में मैं स्पूली की हेल्प से उसे अच्छे से ब्लेंड भी कर दूंगी, ताकि कहीं भी अगर कोई एक्सेस पाउडर रह भी गया हो तो एक्सेस पाउडर जो है वो उससे अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए, और जो एक्स्ट्रा पाउडर है वो हमारा है स्पूली के अंदर ही आ जाता है। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे ये लैक्मे की ब्रिक यूज़ करी है, ये काफ़ी पुराना ब्लश है मेरा, बट मुझे काफ़ी पसंद है ये, और ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश है गाइस। तो आपको अपना हाथ बहुत ही ज़्यादा लाइट रखना पड़ेगा। आप देख सकते हो मैंने जैसे ही ब्लश पिक किया पूरे ब्रश पे इतना अच्छा पिगमेंट आया है इस ब्लश का, और सिर्फ एक ही बारी मैंने अपने फेस पे ये ब्रश को अप्लाई किया है और इतना प्रॉपर प्रिटी पिंक कलर आ चुका है इस ब्लश का। तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे वाले शिमर्स जो ये ब्रिक होती हैं इसमें मैं पूरे में अपना ब्रश एक बारी स्वर्ल कर लेती हूँ, ताकि सारे कलर्स आपस में मिक्स हो जाएँ, और फिर उसको बिल्कुल लाइट हैंड से अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ। आप ज़्यादा ब्लश एक बार में अगर उठा लोगे तो आपका बिल्कुल एक पैच जैसा बन जाएगा। तो हमेशा बहुत ही लाइट हैंड से ब्लश पिक करो, और बिल्कुल लाइट हैंड से ही अपने फेस पे भी अप्लाई करना चाहिए, और उसे ब्लेंड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ऐसे लगेगा कि एक ही जगह आपने सिर्फ कलर को रख दिया है। सो हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे ये वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर यूज़ किया है इन द शेड प्रेशियस पेटल्स। ये हाइलाइटर भी मुझे काफ़ी पसंद है, इससे मैं अपने फेस के जो भी हाईएस्ट पॉइंट्स है, लाइक मेरी चीक बोन, मेरे ब्रिज ऑफ द नोज, मेरा फोरहेड और चिन एरिया, इन सबको मैं अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने नोज़ को कॉन्टूर करना भूल गई थी, तो मैंने जो वेट एंड वाइल्ड का डुओ पैलेट लिया था उसी को यूज़ करके बहुत ही लाइट हैंड से अपने नोज़ को मैं कॉन्टूर कर लूँगी, और आप देख सकते हो कि कितना अच्छा इफेक्ट आता है नोज़ कॉन्टूर करने के बाद। लाइक मेरी नाक तो बिल्कुल पकौड़े जैसी है, तो कॉन्टूर करने के बाद वो बहुत ही स्लिम हो जाती है, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इफेक्ट। मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे ये मेबिलिन का मस्कारा यूज़ किया है। ये वाला मस्कारा वॉल्यूम काफ़ी अच्छी देता है आपकी आईज़ को। तो वैसे भी मैं फॉल्सीज अप्लाई करने वाली हूँ तो इसलिए, बट स्टिल फॉल्सीज अप्लाई अगर आप कर भी रहे हो तो भी आपको मस्कारा यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो आपके नेचुरल आई लैशेज़ है और जो फेक आई लैशेज़ है वो दोनों आपस में अच्छे से ब्लेंड नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा फॉल्सीज लगाने से पहले मस्कारा ज़रूर अप्लाई करती हूँ, और आपके लोअर लैशेज़ भी पे अच्छे से मस्कारा लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो दोनों ही बराबर दिखे, ऐसे ना लगे कि ऊपर तो बहुत अच्छी आई लैशेज़ है पर लोअर लैशेज़ बिल्कुल उड़ी हुई हैं। तो उसके लिए लोअर लैश पर भी अच्छे से मस्कारा ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे मैंने आईलाइनर के लिए नायका का गेट इंक लाइनर यूज़ किया है, स्केच लाइनर, ये मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल जेड ब्लैक आईलाइनर है ये, और एक स्वाइप में काफ़ी प्यारा कलर देता है, इससे विंग भी बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है। ऑनेस्टली मैं विंग आईलाइनर लगाने में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, बट स्टिल मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ कि शायद एक ना एक दिन मैं परफेक्ट विंग लाइनर ड्रॉ कर सकूँगी। एक्चुअली मेरा एक आई पे बहुत अच्छा लग जाता है लाइनर, बट जैसे ही बात आती है लेफ्ट आई पे लगाने की वो ख़राब हो जाता है सारा सीन। तो अब यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, फॉल्सीज अप्लाई कर रही हूँ मैं। ये पता नहीं कौन सी फॉल्सीज है, आई डोंट रिमेंबर, अमेजोन से मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज की थी, पर ये मुझे बहुत पसंद है ये पैर फॉल्सीज का, तो इसे मैं फेंकती नहीं हूँ, इसे क्लीन करके बहुत संभाल के रखती हूँ मैं हर यूज़ के बाद।
फॉल्सीज लगाने के बाद बिल्कुल आई मेकअप का गेम ही चेंज हो जाता है। तो अगर आप किसी पार्टी या फंक्शन में जा रहे हो और आप बहुत ही ज़्यादा ग्लैम लुक क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको फॉल्सीज ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। आपने कितना भी सिंपल आई मेकअप क्यों ना किया हो, सिर्फ एक जो फॉल्सीज होते हैं वो आपके आई मेकअप को बहुत ही ज़्यादा लाइक परफेक्ट बना देते हैं। तो यहाँ पे मेरा आई मेकअप डन हो चुका है, अब मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक यहाँ पे मैंने मैक की रेट्रो मैट लिपस्टिक यूज़ करी है, लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड डांस विद मी। ये बहुत ही प्रिटी मरून शेड है गाइस, तो आप लोगों को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। अगर आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो किसी अच्छी क्वालिटी की लिपस्टिक में, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये वाली लिपस्टिक ज़रूर परचेज करना। बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है, एक स्वाइप में आपको बिल्कुल बेस्ट पे ऑफ कलर पे ऑफ मिलता है। तो आप देख सकते हो कितना प्रिटी शेड है। मुझे एक्चुअली डार्क कलर्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं हर किसी भी मेकअप लुक के साथ डार्क कलर्स को प्रेफर करती हूँ अप्लाई करना। तो ये लिपस्टिक आप देख रहे हो कि बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे स्किन टोन को कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ये सारे स्किन टोन के ऊपर ये लिपस्टिक का शेड जो है वो बहुत ही अच्छे से सूट करेगा। अब यहाँ पे लास्ट में मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का ये सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, और इससे मेरा मेकअप बिल्कुल अपने फेस पे लॉक हो जाएगा। काफ़ी बहुत ही अच्छा लाइक सेटिंग स्प्रे, आप लोग को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो ये है हमारा फिनिश लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को एक लाइक दे देना। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ़।